आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष उठाएगा नीट एग्जाम में गड़बड़ी का मसला, सोर्सेज के हवाले से खबर। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार, इंडिया अलायंस के नेताओं ने किया स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला। नीट के अलावा विपक्षी दल संसद में उठा सकते हैं महंगाई और अग्निपथ योजना जैसे विषय, सरकार ने कहा हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान विपक्ष उठाएगा अगर नीट का मुद्दा, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे सवालों का जवाब। विपक्षी रणनीति पर सोर्सेज के हवाले से खबर, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेंगे विपक्षी दल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 21 घंटे का वक्त तय किया गया, बीजेपी को 8 घंटे का समय अलॉट किया गया, कांग्रेस को 3 घंटे 18 मिनट का वक्त मिला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अनुराग ठाकुर, तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। संसद सत्र पर खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक, राहुल ने कहा जनता के अधिकारों की लड़ाई हम एकजुटता से लड़ेंगे। विपक्षी नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, राहुल गांधी ने इमरजेंसी के जिक्र पर जताई है नाराजगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को ही हाई लेवल बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहे मौजूद। लोकसभा में इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की नियुक्ति की गई, इंडिया ब्लॉक की 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर्स बनाए गए। राहुल गांधी, वेणुगोपाल और गौरव गोगोई कांग्रेस के फ्लोर लीडर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया फ्लोर लीडर। लोकसभा में विपक्ष की साझा रणनीति तय करने में फ्लोर लीडर्स की अहम भूमिका है, स्पीकर के साथ डीएसी की बैठक में हिस्सा लेते हैं फ्लोर लीडर्स। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर, पद की मांग कर रहा विपक्ष, कराएगा चुनाव। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा सरकार को मजबूत विपक्ष से मिलेगी चुनौती, विपक्ष को भी स्पीकर से उचित अवसर की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के सांसद सेंगोल पर बयान को लेकर प्रहलाद जोशी का प्लेटफार्म, कहा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता है विपक्ष। सेंगोल पर समाजवादी पार्टी के सांसद की चिट्ठी से सियासत गर्मा गई है, आरके चौधरी ने सेंगोल हटाने की मांग कर रखी है। सुप्रिया सुनेत ने संसद टीवी के कवरेज पर उठाए सवाल, एक्स पर लिखा राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष 6 बार तो नेता सदन 73 बार दिखे। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा, एक्स पर लिखा दाल चावल आटा मोबाइल का डाटा सब महंगा, कहो कैसे चले घर बार। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंके जाने का मामला, सीसीटीवी की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा सांसद का घर तक सुरक्षित नहीं, मुझे गुंडों से डर नहीं लगता। एआईएमआईएम ने कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए, वारिस पठान ने कहा कि ओवैसी के घर काली स्याही फेंकने वालों पर हो सख्त एक्शन। अश्विनी चौबे के बयान से बिहार में बढ़ गया सियासी पारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा बिहार में बीजेपी की अगुवाई में बने सरकार। नीतीश कुमार को लेकर पप्पू यादव ने जताई साजिश की आशंका, बीजेपी ने कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं। जेडीयू सांसदों से मिले पीएम, कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी की तैयारी शुरू, आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर होंगे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में होगी चुनावी रणनीति पर चर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में अमित शाह कल जाएंगे हरियाणा, पंचकुला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड जाएंगे अमित शाह, 5 जुलाई को मुंबई में अहम बैठक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल देशव्यापी प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में डीडीसीडी पर आम आदमी पार्टी बनाम एलजी की लड़ाई, पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप में एलजी ने डीडीसीडी किया भंग, आम आदमी पार्टी बोली ऊंची राजनीति कर रहे हैं एलजी। दिल्ली डायलॉग कमीशन को भंग करने को लेकर आम आदमी पार्टी का एलजी पर हमला, एक्स पर सौरभ भारद्वाज ने लिखा क्या एलजी बनने के लिए लिखित परीक्षा दी थी। अकाली दल में सुखबीर बादल के इस्तीफे की मांग, तेज बागी नेताओं ने सुखबीर बादल पर पार्टी खराब करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के बर्थडे से पहले लखनऊ में लगे पोस्टर, एसपी अध्यक्ष को बताया गया भावी प्रधानमंत्री। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी, आरोपी चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेकर सीबीआई की पूछताछ। पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई के मुताबिक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया पेपर लीक, चिंटू और मुकेश के से पूछताछ करेगी सीबीआई। मनीष से पूछताछ के बाद सीबीआई सूत्रों का दावा, छात्रों को आशुतोष के घर ठहराया जाता था। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के दौरान एनटीए दफ्तर में दाखिल होने का आरोप। बिहार टीटी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, परीक्षणों का सामना नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, कहा इसे रोकने की जरूरत है।
कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। पहले जत्थे को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मनोज सिन्हा। अमरनाथ बेस कैंप से पहले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष जागरण का आयोजन। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर राय जी कश्मीर की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। जम्मू में सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद आईजी कश्मीर का निर्देश, तीर्थयात्रियों के लिए कट ऑफ समय का सख्ती से हो पालन। जम्मू में मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के शिविरों का किया निरीक्षण, यात्रा से पहले की व्यवस्था का लिया जायजा। मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का किया दावा और नुनवान बेस कैंप में डॉक्टरों की टीम तैनात। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद जियो ने मोबाइल सेवाओं का टैरिफ प्लान 12 से 27% तक बढ़ाया। 3 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। नवोदय विद्यालय की शिक्षिका ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। यूपी के मुरादाबाद में 2 दिन से लापता बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला, जांच में जुटी पुलिस और FSL की टीम, गांव में तनाव। गुजरात के गिर सोमनाथ में जैविक खेती की ओर बड़े किसान, स्थानीय प्रशासन ने कई किसानों को बेहतर उपज के लिए किया सम्मान। ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद कौन होगा उत्तराधिकारी, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज। बोलिविया में तख्तापलट के प्रयास के बाद जनरल गिरफ्तार, राष्ट्रपति ने पुलिस और क्षेत्रीय सहयोगियों को धन्यवाद दिया। बोलिविया की सरकार ने घोषणा की तख्तापलट की कोशिश में शामिल अभी तक कुल 17 लोग गिरफ्तार। तख्तापलट की कोशिश के बीच बोलिविया राष्ट्रपति और गिरफ्तार जनरल के बीच हुई थी बहस, अधिकारी के वीडियो से खुलासा हुआ। जेलेंस्की ने ब्रसल्स दौरे पर नेटो प्रमुख से की मुलाकात, यूक्रेन राष्ट्रपति को नेटो की भूमिका बढ़ने की उम्मीद है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, निशाने पर F-16 के डिप्लॉयमेंट वाले एयरबेस हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की आशंका। प्राग से बुडापेस्ट जा रही ट्रेन स्लोवाकिया में बस से जा टकराई, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 यात्री घायल हो गए। शिकागो में बेपटरी हुई मालगाड़ी, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, अधिकारियों ने आसपास का इलाका खाली करने का आदेश दिया। अमेरिकी एजेंसी का दावा, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है IDF। यरूशलम में पीएम नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, इजरायली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इजरायल के सीमावर्ती इलाके में दिखा हिजबुल्ला का जासूसी ड्रोन, IDF के गोलानी ब्रिगेड के लेबनान पर हमले की तैयारियां तेज। पाकिस्तान में गुरुवार को 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान, कराची में हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की मौत। पाकिस्तान में भीषण गर्मी और हीट वेव से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, पिछले 6 दिनों में 568 शव कराची मुर्दा घर लाए गए। भीषण गर्मी से जूझ रहे पाकिस्तान के कराची समेत कई शहरों में झमाझम बारिश हो गई है, तापमान गिरा, 1 जुलाई तक और बारिश होने का अनुमान है। पाकिस्तान में उमर अयूब खान ने PTI के महासचिव पद से इस्तीफा दिया, विधानसभा में नई भूमिका निभाने की कर रहे हैं तैयारी। भ्रष्टाचार को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा फैसला, 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को निष्कासित किया गया। चीन की बड़ी साजिश, शादी और हनीमून का लालच देकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर कर रहा सैनिकों की तैनाती। टेरियन जंगल से पनामा में आए 1,70,000 से अधिक प्रवासी, जंगल में प्रवासियों के साथ होता है डकैती, हिंसा और यौन शोषण। फ्रांस में चुनाव से पहले सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी कट्टर, दक्षिण पंथी और मैक्रो के फैसले के खिलाफ रैली निकाली गई। सर्बिया में कोसोवो के सांस्कृतिक उत्सव पर पुलिस का प्रतिबंध, दक्षिण पंथी प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंध के समर्थन में लगाए नारे।